महिमा ईशु प्रभु जी गाते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डन के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। यीशु मसीह के पावन नाम में आज का जीवन जल कार्यक्रम सुनने के लिए बड़े आनंद के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों का हम अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का स्पर्श होता है। इन दिनों में फिलोमन की पत्री से अध्ययन करते हुए उसके 6वें संदेश में आज हम आ रहे हैं। इस 6वें संदेश में मैं आपका ध्यान मसीह के द्वारा अद्भुत अनुग्रह का तो अनुभव किया, लेकिन मसीह के द्वारा जिन्होंने अद्भुत अनुग्रह का अनुभव किया उनका आदर्श परिवार कैसे बनता है, उस आदर्श परिवार के 7 गुण लक्षणों को इन शास्त्र भाग से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। फिलिमन की पत्री पवित्र शास्त्र बाइबल में आप खोल सकते हैं और हमारे साथ अध्ययन करके अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी पारिवारिक व्यवस्था में आप भी झांक कर देख सकते हैं कि परमेश्वर को भावता हुआ परिवार कौन सा होता है। परमेश्वर आपके और मेरे परिवार में कौन सी बात देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अनुग्रह का स्पर्श होने के पश्चात एक अनुग्रह से भरा आदर्श मसीह परिवार कैसे होता है। आइए हम फिलिमन के घर चले जहाँ का वर्णन इस छोटे से पत्र में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से देते हैं और वहाँ लिखे हुए सारे भाग के द्वारा वहाँ के उनके परिवार के फिलिमन के परिवार के द्वारा हमें मसीह जीवन के पारिवारिक जीवन के 7 लक्षणों को दिखाई देता है। आइए हम अध्ययन करें। फिलिमन के पत्री
उसका पहला वचन लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमन और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अरिकिपुस और फिलेमन के घर की कलेसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। परिवार हो तो कैसा हो, देखना फिलेमन के बारे में सोच विचार करने वाला परमेश्वर का दास पौलुस और उसका साथी तिमोथियस जब उनके विषय में यहाँ सोचते हैं, उनके विषय में धन्यवाद का कारण है, धन्यवाद दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस परिवार के बारे में जो सोच विचार पौलुस परमेश्वर के दास के मन में है, वो कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस परिवार में भी परमेश्वर के अनुग्रह ने स्पर्श किया था। आपके मेरे जीवन में भी ऐसे ही गुण लक्षणों को यदि दिखाई दे तो हमारा परिवार भी एक मसीही आदर्श परिवार बन सकता है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले बताना चाहूँ तो कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ है। भजन संहिता 127 उसका पहला पद, वहां जो शब्द भवन या घर करके लिखा हुआ है, देखना वो भवन या घर ये परिवार का उल्लेख करते हुए बताया हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। घर और परिवार में बहुत अंतर है, फर्क है। परमेश्वर यहोवा यदि घर न बनाए, भवन न बनाए, वो जो शब्द उपयोग में लाया है वो हमारे परिवार के बारे में लिखा हुआ है, पारिवारिक व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, कुटुंब के बारे में लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्रियो, पैसे से हम घर तो खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, बड़ा मकान खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम परिवार नहीं खरीद सकते हैं। परिवार बनाना है, परिवार आदर्श होना है, तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अनुभव में परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत होती है। इसका मतलब सबसे पहली बात की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। यहाँ पर इस परिवार के सदस्यों की ओर मैं आपका ध्यान लेता हूँ, द पर्सन्स इन द फैमिली। क्यों? क्योंकि पहले दो पदों में इस परिवार के सदस्यों का नाम लिखा गया है। परिवार सदस्यों से बनता है, पति पत्नी बेटा और घर में जो दास उनेसिमस, इन सब का वर्णन यहाँ पर इस छोटे से पत्र में दिया हुआ है। आप अपने परिवार में शायद पति हो, शायद पत्नी हो, शायद बेटा हो या बेटी हो, या परिवार के किसी भी अंग में आपको इकट्ठा लाया गया है। देखना, परिवार में हर एक व्यक्ति मायना रखता है, महत्व रखता है। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता, परिवार व्यक्तियों से बनता है। और इस परिवार के सारे व्यक्तियों के बारे में पौलुस जब लिखते हैं, देखिएगा वो फिलेमन के बारे में क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि फिलेमन हमारा सहकर्मी, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है प्रिय, और लिखा हुआ है प्रिय भाई, और ऐसा कि जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हरा भरा हुआ हुआ है, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया हुआ हुआ है, और ऐसा जीवन जो बदला हुआ है, परिवर्तन हुआ हुआ है। मेरे प्रियो, वहां से शुरुआत होती है। देखिएगा फिलेमन में हमें घर का मुखिया दिखाई देता है, उसकी पत्नी का नाम है अफिया, वहां पर एक सही उसके जीवन की साथी का नाम दिया गया है, घर का मुखिया, द हेड ऑफ द फैमिली, द हेल्पमीट इन द फैमिली। घर का पुरुष ये घर का सिर है, घर की स्त्री वो पुरुष के साथ हर बात में उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने जोड़ी हुई है। और उनके बेटे के बारे में लिखा हुआ है, हमारा सहकर्मी योद्धा करके लिखा हुआ है, जो प्रभु के लिए, वचन के लिए और प्रभु के काम के लिए अपने माँ बाप के समान प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ, उसका नाम भी बताया हुआ है, अरिकिपुस करके लिखा हुआ है। इन तीनों का नाम वहां पर लिखा हुआ है, द हेड ऑफ द फैमिली, द हेल्पमीट ऑफ द फैमिली, द एयर ऑफ द फैमिली। अरिकिपुस, ये सारे घर के बातों का उसको वतन मिला हुआ, मतलब घर का सारा वारिस वही होने वाला था। और लिखा है नीचे, हम जब पढ़ेंगे, उनके घर में जो दास था
उन्हें समझ, उसका भी उल्लेख किया हुआ है, द हायर्ड सर्वेंट। जब एक परिवार की ऐसी व्यवस्था को देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, आज शैतान का लक्ष्य परिवार के ऊपर है, परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर है। जैसे उसने आदम और हवा के साथ किया, वही शैतान अपने चालाकी के साथ परिवार को तितर बितर करना चाहता है। आदम को हवा से, हवा को आदम से दूर करने के लिए उसके मन में शक लाया और सारी बातों में पाप घुस गया करके हम देखते हैं। आज शैतान वही काम हर एक परिवार में करना चाहता है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से दूर करना चाहता है, बच्चों को माँ बाप से दूर करना चाहता है, भाई भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में रगड़े झगड़े लाना चाहता है। आज कितने परिवार रोते पीटते झगड़े में और उलझन में पड़े हुए करके दिखाई देते, क्या आपका परिवार ऐसा है? तो आज आप निराश ना हो, क्योंकि आपके परिवार को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उनका वचन है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रभु आपका उद्धार करके आपके घराने का उद्धार करना चाहता है, घर के हर एक व्यक्ति को बदलना चाहता है। फिलिमन के परिवार के सदस्यों को सबसे पहले हम देखते हैं, द पर्सन्स इन द फैमिली, और इस परिवार के सारे सदस्य प्रभु को पहचानने में और प्रभु को समर्पित करके साथ में एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने वाला परिवार करके हम देखते हैं। उसका दूसरा लक्षण हम देखते हैं, जानते हैं कौन सा? नॉट ओनली द पर्सन इन द फैमिली बट सेकेंडली द पैटर्न ऑफ द फैमिली। इस परिवार के सदस्य केवल नहीं बल्कि दूसरी बात, इस परिवार की पद्धति को हम देखते हैं। कौन सी पद्धति को? जब आप इस भाग को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पांचवें छठवें पद में बारंबार प्रेरित पौलुस फिलिमन के उन विषयों के बारे में लिखते हैं। क्या? तेरा प्रेम, दो, तेरा विश्वास, देखिएगा चौथा पद, पांचवा पद, छठवा पद और फिर सातवा पद, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, इस प्रकार से वो लिखते हैं। उसके जीवन की ये सारी बातों की ओर जब एक एक बात का वर्णन हम करते हैं, उसका जो परिवार की जो पद्धति की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ, द पैटर्न ऑफ द फैमिली, जानते हैं कौन सी बात को हम देखते हैं? जब उसके प्रेम के विषय में लिखा, तेरा प्रेम, उसके विश्वास के बारे में, तेरा विश्वास, अब 21वें पद में, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का, उसके आज्ञाकारी का, तेरे आज्ञाकारी का करके लिखा हुआ है। मतलब इस परिवार में जो कुछ हो रहा था, व्यक्तिगत तौर पर फिलिमन के बारे में कहा जाए, इतना धनी व्यक्ति होने के बावजूद, सब बातों में मालामाल होने के बावजूद, प्रभु के लिए, वचन के लिए, प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, आज्ञाकारी जीवन के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए मन है, लगन है, विचार है, और उसमें ये लोग अपने आप को झोंक दिए करके हम देखते हैं। ऐसा परिवार आज कहाँ दिखाई देता है मेरे प्रियो? जब ये सारा व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में लिखा गया, जब उसकी तुलना पांचवें, छठवें, सातवें और 21वें पद की तुलना, जहां पर व्यक्तिगत तौर पर तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरा आज्ञाकारी पना, ये सारी बातों के वक्त बोलते वक्त देखेगा 22 पद में क्या लिखा हुआ है, लिखा है, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। अभी तक व्यक्तिगत तौर पर उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रेम, विश्वास, आज्ञाकारिता के बारे में पौलुस लिखते हैं, लेकिन जब प्रार्थना के बारे में लिखता है तब क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी प्रार्थना, वो अनेक वचन शब्द है, तेरा ये एक वचन शब्द है, तुम्हारी प्रार्थना ये अनेक वचन शब्द है। आज मेरे प्रियो, सबसे अगर बढ़कर कोई बात हमारे जीवन में देखी जाए तो हमारे परिवार की पद्धति भी यदि ऐसी हो तो कितना अच्छा होगा। कौन सी पद्धति? कि व्यक्तिगत तौर पर हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु के लिए अपना जीवन दिया हुआ है, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे। वो ऐसा परिवार था जहां पर एक दूसरे की चिंता थी, एक दूसरे के लिए प्रेम था, लेकिन उस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती थी। परिवार के प्रार्थना की पद्धति आज कितने परिवार में ना होने के कारण परमेश्वर के आशीष उनके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं। तुम्हारी प्रार्थना करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा ये परिवार, पौलुस ने याद किया कि प्रार्थना में समय बिताने वाला परिवार था। आज कितने परिवार में ये पारिवारिक वेदी दिखाई नहीं देती है, फैमिली ऑल्टर दिखाई नहीं देता है। व्यक्तिगत तौर पर हर एक व्यक्ति शायद कितना भी कुछ ना करे, लेकिन प्रियो
परिवार के तौर पर इकट्ठे आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वो परिवार साथ में रहता है। और ये आज परिवार के तितर बितर होने का एक कारण भी हो सकता है। शैतान का हमला आज परिवार को तितर बितर करने में इसी बात में है। क्यों मालूम है? शैतान को पूरा पूरा मालूम है क्या कि दो व्यक्ति यदि एक मन से प्रार्थना करे तो शैतान थर थराता है, वो डर जाता है, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति के सामने वो टिक नहीं सकता। इसलिए दो व्यक्तियों को भी वो इकट्ठा नहीं आने देगा, शायद वे पति पत्नी भी क्यों न हो। आज इतना कम से कम निर्णय करें, हमारा परिवार अनुग्रह से भरा आदर्श परिवार होना है तो हमारे परिवार के हर एक सदस्य का एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है, परिवार के सदस्य। लेकिन दूसरी बात क्या हमने पढ़ा? परिवार की पद्धति कौन सी थी? एक पारिवारिक प्रार्थना का समय उनका अलग से दिया हुआ था। व्यक्तिगत तौर पर अच्छी गवाही और पारिवारिक तौर पर सामूहिक प्रार्थना का जीवन उनका दिखाई दिया आता है। लेकिन तीसरी बात जब मैं वहां पर उनके बारे में पढ़ता हूं तो दूसरे पद में दिया हुआ है, आप देखिएगा क्या लिखा है, और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अरिकुपस और फिलेमन के घर की कलेसिया के नाम। इसका मतलब तीसरी बात बताना चाहता हूं, द पर्सन इन द फैमिली, द पैटर्न ऑफ द फैमिली, बट थर्डली द प्रायोरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य, परिवार की पद्धति, लेकिन तीसरी बात परिवार की प्रधानता या प्राधान्यता, परिवार में सबसे मुख्य बात कौन सी थी। तो लिखा है कि उनके घर में जो कलेसिया इकट्ठी आती थी। मेरे प्रियो, किसी को भी अपने घर में एक मेहमान करके एक दिन दो दिन चार दिन रखना एक बात है, लेकिन किसी को लगातार अपने घर में हमेशा आने देना और उनका आवभगत करना, उनका स्वागत करना, उनकी पहुनाई करना, ये आसान काम नहीं था। देखिएगा ये परिवार में सब कुछ तो हो रहा था लेकिन ये परिवार प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, नीचे हम पढ़ते हैं प्रभु के दास के लिए लिखा हुआ है 22 पद में हमने पढ़ा, और यह भी कि मेरे ठहरने के लिए की जगह तैयार रख। प्रभु के दास के लिए भी यह घर खुला था रहने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहायता के लिए, कलेसिया के लिए, इकट्ठा आने के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए, इस घर के दरवाजे खुले थे। धन्य है वो परिवार जिन्होंने अपने जीवन में पहुनाई का सबक सीख लिया है। आज कितने परिवार है जहां पर पहुनाई का महत्व न जानने के कारण पहुनाई के आशीष वो खो बैठते हैं। मेरे प्रियो, किसी को अपने घर में इस प्रकार से बुलाना, रखना ये आसान बात नहीं है, लेकिन जो प्रभु के नाम में आते हैं, प्रभु के लिए अपना घर और पहुनाई का घर खोलकर पहुनाई का आदर सम्मान करते हैं, उसका आशीष कुछ और ही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ऐसे करते वक्त कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी है। वही तो बात इब्राहिम के साथ हुई थी। इब्राहिम के बारे में उत्पत्ति के 18 अध्याय में पढ़ते हैं, तीन व्यक्ति उसके डेरे के सामने आए और उनकी आवभगत की, उनकी पहुनाई की, और वो पहुनाई का आशीष ना केवल इब्राहिम को बल्कि उसके संतति को जीवित काल में अनुभव करना पड़ा। उनके जीवन में एक बड़ा अनुभव का वो कारण रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कभी उस भाग को मैं पढ़ता हूँ मेरा मन भर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये तीन व्यक्ति वहां पर आए, वो नहीं जानता था कि ये स्वर्गदूत है, उसमें से एक तो प्रभु यीशु मसीह, जिसको क्रिस्टोफेनिस कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम का दर्शन कहा जाता है। ये तीनों को अपने डेरे के सामने आते हुए देखकर इब्राहिम क्या करता है? तुरंत डेरे में भागकर दौड़कर जाता है और साराय से कहता है, तीनों के लिए एक एक माप करके तू आटा ले और इनको गूंध कर इनको तू परोस करके लिखा हुआ है। एक दूध के लिए एक माप करके लिखा गया है, वन मेजर ऑफ मील फॉर वन पर्सन। इब्राहिम ने जो किया उसने सोचा भी नहीं होगा जो वो कर रहा है, हमेशा की तरह उसने वो पहुनाई की। एक स्वर्गदूत के लिए एक माप अनाज और उसका सारा खाना बनाकर उनको उसने खिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्राहिम की संतति की संतति की संतति के बाद में हम पढ़ते हैं, जब याकूब के 12 वंश उस जंगल की यात्रा से जा रहे थे, परमेश्वर ने उसको कितने कितने प्रतिशत में लौटाया आप गिन भी नहीं सकेंगे। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने तो एक दूध के लिए कितना दिया? एक माप करके दिया।
लेकिन परमेश्वर ने उसको कितना लौटाया आप सोच सकते हैं मेरे साथ। वो कबूल, वो विश्वास भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने उसके पहुनाई का आदर करते हुए हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक माप आसमान से, आकाश से स्वर्गदूतों का अनाज, अन्न, मन्ना जिसको कहा जाता है, स्वर्ग से एक माप मन्ना उनको प्रतिदिन 40 साल 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने उनको हमेशा दिया। हम पढ़ते हैं 20 लाख लोगों को प्रतिदिन 40 साल तक परमेश्वर ने इतने प्रतिशत में इब्राहिम को लौटा दिया। इब्राहिम सोच भी नहीं सकता था। गॉड इज नॉट डेटर ऑफ एनी मैन। परमेश्वर कभी किसी का ऋण नहीं रखता है। हाँ, इब्राहिम कभी सोच भी नहीं सकता था। गॉड हैज़ रिटर्न टू हिम इन मैनी फोल्ड, वन मेजर ऑफ मील फॉर एवरी पर्सन फॉर 40 ईयर्स टू 20 लैक्स पीपल। आप उस कैलकुलेशन को करके देखिएगा। आज बहुतेरे अपने जीवन में ये पहुनाई के लिए अपना घर नहीं खोले, अपना द्वार नहीं खोले, अपना कमरा नहीं खोले, अपना जीवन नहीं खोले, अपने भंडार को नहीं खोले, इसलिए परमेश्वर के आशीष को वो खो बैठे। ये परिवार वैसा नहीं था। ये परिवार में कलेसिया इकट्ठी आती थी, भाइयों का कलेसिया का आना जाना वहाँ पर था। वहाँ पर शायद कितनी सारी रुकावटें इनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई होगी। उन सारी बातों को इन्होंने सहन किया, त्याग किया। प्रभु के लिए इनका घर खुला था, प्रभु के लोगों के लिए इनका घर खुला था, प्रभु के दासों के लिए इनका घर खुला था। इनके जीवन की प्राधान्यता का विषय था प्रभु, प्रभु के लोग, प्रभु के दास, प्रभु का वचन, प्रभु की आराधना, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की सेवा, और प्रभु के लिए तन मन धन से ये परिवार सौंप कर आगे बढ़ने वालों में से एक था। ऐसा आदर्श परिवार यदि आपका और मेरा हो तो कितना आशीष हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। ऐसे आदर्श परिवार होने की क्या आप लालसा नहीं रखेंगे? क्या आपके मन में वो विचार नहीं आएगा कि इन तीन चीज़ों को जो पहली बार हम यहाँ पर देखते, सात बातें बताने जा रहा हूँ। अब तीन बातें हमने देखा, एक उस परिवार के सदस्य, दो उस परिवार की पद्धति, तीन उस परिवार की प्राधान्यता। यदि आपके परिवार के सदस्यों का एक दूसरे का आदर करने वाला, उद्धार पाया हुआ, प्रभु को अपना जीवन देकर आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति हो तो धन्य है आपका परिवार। यदि आपके परिवार में कोई अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए सच में दुआ करें, ताकि प्रभु आपकी मेरी प्रार्थना सुनकर हर एक सदस्य का उद्धार करे। परिवार में जो दूसरी बात हम उनकी पद्धति को देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के लिए समर्पित एक विश्वास का जीवन, प्रेम का जीवन, लेकिन सामूहिक तौर पर एक प्रार्थना की वेदी में समय बिताने वाला परिवार आपका मेरा परिवार हो तो कितना भावता होगा। यदि आपका घर, मेरा घर प्रभु, उसकी कलेसिया, उसके लोग, उसकी सेवा और उसकी महिमा के लिए खुला हो तो उसका आशीष भी अनुभव करने वाला यदि आपका और मेरा परिवार हो, क्या इसे आदर्श परिवार नहीं कहेंगे? जिस परिवार को ऐसे अनुग्रह ने स्पर्श किया है, धन्य है वे परिवार, आदर्श मसीही परिवार। प्रभु आपका बनाए, मेरा बनाए, ऐसे मैं प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आइए सिरों को झुकाए और प्रभु से मांगे, हे प्रभु होने दे अपने वचन के अनुसार हमारे प्रिय दर्शकों को, उनके परिवार को आप ऐसे ही आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक का उद्धार होते और प्रभु के लिए प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने वाले, परिवार में एक दूसरे का सम्मान का अनुभव करने वाले, परिवार में प्रभु के लोगों का आदर करने वाले, ऐसे परिवार आप हमारे हरेक के परिवार को बना प्रभु, ताकि उसका आशीष हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। फिलिमन के परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार को भी ऐसे ही आदर्श परिवार बना, ऐसी दुआ करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। अमेन, अमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@
yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।